नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने ये जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबपेज पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेरा वेबपेज पे जो डिस्प्ले कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ वो इंटर का डे कैसे वो काम करता है। ये लाइव मार्केट में मैं 3-4 बार अपडेट करता हूँ, उसका तो मैंने सेव करके नहीं रखता हूँ वो। लेकिन जो मैंने अगला दिन 12/7/2018 में मैंने जो लेवल बना दिया था एंड ऑफ द डे के लिए, और जो 13 जुलाई का जो लास्ट प्राइस बना है वो आप खुद चेक सकते हैं। आप लोग जो बाद में देखेंगे वो भी आप चार्ट से हाई लो देख के, चार्ट का इस डेट का चार्ट कैंडल से आपको हाई लो पता चल जाएगा, और इस डेट का अगला दिन का जो बाई सेल लेवल है उसके साथ आप कॉम्बैक कर सकता है। मेरा तो फ्री ट्रायल रन अभी रन कर रहा था, तो अभी तो उसका ख़त्म हो गया, तो आपको दिखा आपको अभी लाइव नहीं मिलेगा। लेकिन आप बाद में जब दिखते था आपको फ्री ट्रायल चाहेंगे तो फ्री ट्रायल भी एक दिन का मिल सकता है। तो वो देखिए, इसका क्रूड ऑयल का जो लेवल है उसको 4908070 में इसका बाई लेवल था, और 4907 इसका हाई हुआ था। ये इधर जो अप साइड में जो जीरो दिखाएगा मतलब ये अप साइड में मिला है, और जो डाउन साइड में जो जीरो दिखाएगा वो आपको मतलब ये डाउन साइड में लेवल आया था। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं साइट पे जाके। साइट पे जाके मेरे आपको दिखा गया का संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम है, तो इसके लिए मैंने नहीं दिखा पाऊँगा। नेट का कनेक्टिविटी भी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि ये कितना कितना मतलब मिला है, और कितना मिला है क्या नहीं मिला है, और कितना मिला है एंड ऑफ द डे से। ओके, तो आपको ये मैंने यही दिखाता हूँ कि इधर से ही दिखाता हूँ कि ये ऐसे लेवल मिला है। मैंने अगला वीडियो में मैं इक्विटी का दिखाया था, तो आप लोग खुद देखिए चेक कीजिए। और इसका बाई लेवल सेल लेवल, ये आपको जब एक बार बाई सेल लेवल जो बाई लेवल और सेल लेवल जो आया था वो आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद चेक कर सकता है। और इधर इक्विटी में भी मैंने चीज़ रखा है कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। इधर लास्ट में इसको जब आप राइट में स्क्रॉल करेंगे, सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप दिखा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो रहा है। इधर जो आप स्क्रॉल करेंगे तो इसको इधर आपको पिवट मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इंटरडे में आप पिवट पॉइंट नहीं तो मूविंग एवरेज 5 का स्टॉप लॉस रख सकता है। स्विंग में मूविंग एवरेज 5 और MA 5 15 के में स्टॉप लॉस रख सकता है, और MA 30 में भी पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल और शॉर्ट टर्म के लिए MA 5 15 और MA 30 में स्टॉप लॉस रख सकता है, और लॉन्ग टर्म में आप 52 वीक का पिवट पॉइंट में स्टॉप लॉस रख सकता है। कमोडिटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है। कमोडिटी में भी इसका एंड पे पिवट पॉइंट मूविंग एवरेज का दिया हुआ है, जो जब भी आप काम करेंगे इसको स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, तो आप देंगे देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप खुद भी चेक कर सकता है। और इसका आपको डेमो भी कैसे स्क्रीन करना है वो मैंने वीडियो में दिखाया था, और आप चाहेंगे तो इसका टीम व्यूअर से आपको डेमो भी दिखा सकते हो कैसे स्क्रीन करना चाहता है कर जाता है। और आपको लेना है तो एक दिन देख सकता है कि आपको एक दिन देखना है, लेवल देखना है तो उसको भी आपको लेवल दिखा देंगे। तो आप चाहेंगे तो इसको ये इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में आप फायदे में रह सकते हैं। तो अभी ये वीडियो यही ख़त्म करता है। धन्यवाद।